फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह आज थोड़ा सो के उठने में लेट हो गया और नहा धो के निकले हैं घर से बाहर। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 10:30 बज रहे हैं सुबह के। और बताइए तो कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ा जाना था विद्यापुर आजमगढ़ की साइड, बाइक से हैं अकेले। रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी चल रही हैं और मस्ती में जाएंगे। आज धूप बहुत तगड़ी है और उसके बाद मौसम भी बहुत ख़राब है, धूप भी हो रहा है, उसके बाद बादल भी धूप को घेर ले रहे हैं। बारिश जैसा भी मौसम है, धूप भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, उसके बाद गर्मी भी बहुत तेज़ है। गर्मी इतना तेज़ है कि देखिए फेस पे कितना साला पसीना हो रहा है। तो बढ़िया है, तो अब चलते हैं आजमगढ़ की साइड, कबूतरा साइड। हाय जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब हम लोग राइडिंग कर रहे हैं, गाड़ी को स्पीड में भगा। देखिए भाई ये कितना तेज जा रही है, अगर स्पीड में भगाएंगे तो गिर उड़ जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लॉग नहीं बन पाएगा, इसलिए स्पीड में नहीं भगाएंगे, आराम आराम से चलते हैं। रोडों पे देखिए गाय भैंस, ट्रैक्टर से खेत जुताई हो रही है भाई। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हम लोग विद्यापुर बाजार में भी आ चुके हैं, अरे कबूतरा बाजार में। अब आगे निकल रहे हैं विद्यापुर के लिए, देखते हैं रास्ता तो ऐसे पता नहीं है, इस अंकल से पूछते हैं। अंकल विद्यापुर जाए के रहा सीधा? अंकल ने सीधा बताया हुआ है रास्ता, चलते हैं विद्यापुर। रोड भी खराब है यहाँ की। तो भाई अब हम लोग विद्यापुर भी पहुँच चुके हैं, यहाँ बहुत तेज आंधी और पानी भी गिर गया है, मौसम खराब हो चुका है। मस्ती करने के लिए तैयार थे, बाकी अब मस्ती नहीं कर पाएंगे। पूरा मौसम खराब हो चुका है, पूरा मौसम खराब हो चुका है। अपने फ्रेंड के घर आए हैं, तो मौसम आज खराब हो गया था, इसके वजह से अपने फ्रेंड के साथ मस्ती नहीं कर पाए आज। नहीं तो मौसम ठीक रहता तो फ्रेंड के साथ मस्ती किए रहते। मेरा फ्रेंड देखिए इतना सारा आम देने के लिए मुझे बुलाया था यहाँ पर, देख लीजिए इतना सारा आम दिया है भाई मेरा फ्रेंड। आम देने के बाद मौसम अभी भी नहीं खुला, इसी के लिए मस्ती नहीं कर पाए, उसका वीडियो भी नहीं ले पाए आम तोड़ते समय का, वो बारिश ही में आम तोड़ रहा था और इतना तेज़ आंधी भी चल रही थी कि मोबाइल लेके जा नहीं पाए वहाँ पर। मोबाइल अगर भीग जाती तो ख़राब हो जाती, इसी के वजह से मोबाइल नहीं लेके गए। नहीं तो मेरा फ्रेंड बहुत बढ़िया है, वो इतना सारा आम तोड़ के दिया, बस बुलाया था मिलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आम तोड़ के देगा। तो अब घर चल रहे हैं। देखिए बारिश की वजह से बाज़ार की क्या हालत हो चुकी है, बारिश की वजह से फरमानपुर बाज़ार में अब आ चुके हैं हम लोग। तरवा बाज़ार में कितनी भीड़ भी है, तरवा बाज़ार में घुसने वाले हैं अब हम लोग। तरवा बाज़ार में अब हम लोग हैं, तरवा बाज़ार में। अब तरवा बाज़ार से निकल के अब ज़्यादा दूर नहीं है घर। अब फ्रेंड्स तो अब हम लोग घर आ चुके हैं लेकिन घर नहीं पहुँचे हैं, थोड़ा घर के जैसे घर उधर उस साइड है तो हम लोग इधर ही हैं बाहर ही खेतों में। देखिए
बारिश हुई है, मौसम कितना सुहाना हो गया है, चिड़िया बोल रही हैं, उसके बाद सूर्य भगवान भी देखिए कितना वहाँ देखिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बादलों के बीच में छुपे हुए हैं। और खेतों में हरियाली आ चुकी है, दो दिन तीन दिन बारिश, तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है, कुछ ना कुछ कर थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा एक एक घंटा रोज़ बारिश हो रही है। मौसम भी खुल जा रहा है, दिन भर गर्मी लग रही है, शाम के टाइम बारिश हो जा रही है, रात में भी गर्मी लग रही है, इसके वजह से ज़्यादा अक्सर करके ज़्यादा लोगों की तबीयत ख़राब हो जा रही है, तभी सर्दी जुकाम हो जा रहा है, तो उसी को टेस्ट करवाने पे कोरोना निकल जा रहा है। यहाँ पर पूरा खेतों में हरियाली आ चुकी है, दो तीन दिन बारिश होने से लगातार, और उस साइड आगे सामने साइड लड़के बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और उधर पीछे साइड मेरे देखिए वहाँ जो घना जंगल दिखाई दे रहा है उसमें एक दिन चलेंगे हम लोग ब्लॉगिंग करने, आपको पीछे का सीन दिखाते हैं। देखिए वहाँ पर कुछ लड़के खेल रहे हैं क्रिकेट, और भैंस भी हैं चर रही हैं, उसके बाद ये खेतों में खाद छींटा गया है, हम लोग उसी जंगल में कल या परसों में चलेंगे ब्लॉगिंग करने, उसमें बहुत साफ ऑफ सब रहते हैं, इसलिए जाने का अकेले मन नहीं करता, अकेले जाने में डर लगता है। चलिए तो अभी कुछ टाइम में मिलते हैं फिर, फ्रेश होके बाय। सब हम लोग आ चुके हैं खेलने, दादा सब फील्डर्स लगे हैं, जो चोर है वो खेल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, और जो बैट्समैन है वो फिर खेल रहे हैं, इतने सारे बैट्समैन हैं। देखिए दादा खेलने में बहुत मजा आ रहा है, ये हमारा बैट और बॉल इस टाइम नहीं पता कहाँ गुम हो गया है, बॉल इस टाइम नहीं पता कहाँ गुम हो गया है, और ये बैट रहा मेरा, दादा खेल रहे हैं सब लोग, देखो इतने सारे लोग दादा खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग के साथ दादा खेलने में मज़ा आ रहा है। ये देखो ये लंगड़ा फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड बॉल नहीं मिल रहा है, जा रहे हैं बॉल को देखने, कहाँ गया है बॉल, अबे मिल गया बॉल, वो देखो बॉल मिल गया है, दिखाओ ये बॉल दिखाओ ये, अब जा रहे हैं खेलने का। इस फ्रेंड्स अब खेलते समय हम चोर हो गए हैं, बॉल हाथ में आ गई है, अब हम लोग खेल चुके हैं, खेल के जा रहे हैं नहर के साइड, आज हम लोग आए घाटी खाने, मार्केट आ गए हैं इतना जल्दी, खेल रहे थे अभी तब तक एक फ्रेंड मिल गया, आ गए मार्केट, घाटी खाने मार्केट आ चुके हैं, घाटी बन रही है, घाटी बनने के बाद फिर खा पी के जाएंगे मार्केट से। टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं करेक्ट, शाम के 6 बज रहे हैं, घाटी खाने मार्केट आए हम दोनों लोग, घाटी खा के फिर उसके बाद जाएंगे घर, घर चलते हैं अब। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप ठीक ही होंगे, तो बाय गाइस। तो गाइस अब हम लोग घर आ चुके हैं, आई होप ठीक होंगे आप लोग, बाय गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर, प्लीज़ शेयर करना ना भूलें भाई, अभी न्यू हूँ यूट्यूब पे, जो भी गलती हो रही है उसको माफ़ करें, थैंक्स गाइस, बाय।